देवघर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में दो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। देवघर जिला के मधुपुर में प्रज्ञा केंद्रों से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का आज भंडाफोड़ हुआ है। एसडीओ के निर्देश पर दो प्रज्ञा केंद्र संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रज्ञा केंद्र संचालक इनामुद्दीन और मोहम्मद फरीद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी मधुपुर थाना क्षेत्र के पनाकोला का रहने वाला है। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र उसके यहाँ से बरामद भी किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब केला बगान निवासी कपिल से अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर वार्ड पार्षद के पास आधार का फॉर्म सत्यापन कराने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद वहां पर प्रमाण पत्र देखने के बाद वार्ड पार्षद ने कहा यह फर्जी है। और उन्होंने फर्जी कैसे कहा, फर्जी कहने के पीछे उनका रीज़न ये था कि 2022 का जो डेट मेंशन किया गया था उसमें उसे देख करके वार्ड पार्षद को लगा कि ये फर्जी है, क्योंकि 2022 में जितने भी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं वो सभी ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जो प्रज्ञा केंद्र से बना करके दिया गया था वो ऑफलाइन था, साथ में उसमें डेट और साइन जो था वो देख करके भी उसे शक हुआ। एक ही तरह का साइन उसमें लगभग 2-3 जगह किया हुआ था, जिसको देख करके वार्ड पार्षद ने शक किया। उसके बाद वो अंचल कार्यालय भी गए और वहाँ पर दिखाने के बाद उन लोगों ने रजिस्टर में चेक किया और फिर पता चला कि ये फर्जी है, जिसके बाद मधुपुर थाना में कंप्लेन दर्ज किया गया और दोनों प्रज्ञा केंद्र संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो आज बड़ी कार्रवाई हुई है देवघर में, जहाँ पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में दो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज हुई है। प्रतिक्रिया केंद्र सिनेमा हॉल के सामने क्या बताया, अपने पोता का जन्म पत्री कितना लिया था, पैसा 300 रुपये लिया, क्या निकला हमारे कमिश्नर पास आए थे, वो देखे बोले जाली है ये। अब क्या कर रहे हैं, अब आए हैं थाना, हमारे कमिश्नर भी आए हैं। मैं वार्ड पार्षद संभर यासमीन, वार्ड नंबर 20 के पार्षद हूँ। मेरे पास ये कपिल सा अपने पोते का आधार कार्ड के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे। जब मैंने इनका जन्म प्रमाण पत्र देखा तब हमको इसमें शंका हुई कि ये तो अभी नगर परिषद के द्वारा ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये ऑफलाइन कैसे है। उसके बाद मैं जब इसको इन्हें लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी सहकार्यपालक पदाधिकारी के पास गई, जब उन्होंने वेरीफाई किया तो उन्होंने भी कहा कि ये जाली है। तो उसी के बाद हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि आप ये आवेदनकर्ता को लेकर के जाइए और FIR करवाइए। हाँ, थाना में मैंने आवेदन, ये जो आवेदनकर्ता है कपिल का, उन्होंने थाना में आवेदन दिया है।